शुक्रवार को अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बीडीसी सदस्यों ने स्वाभिमान संघ बैनर तले बीडीओ विजय कुमार अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा। सातला ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी समंदर सिंह के संरक्षण में ये ज्ञापन सौंपा गया, जहां स्वाभिमान संघ के महामंत्री सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों को स्वाभिमान सम्मान बचाने के लिए 8 सूत्रीय अधिकारों के लिए सभी जिलों में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन बीडीसी सदस्यों को नहीं मिला है। आज के दिन 75 जिलों में सभी ब्लॉकों में बीडीसी मेंबर शांतिपूर्ण तरीके से स्वाभिमान बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीडीसी मेंबर ने कहा कि हमारी 8 सूत्रीय मांगों में हमें प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का काम चाहिए, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन, और हम कभी भी किसी भी बैठक में जाते हैं तो आने जाने के लिए हमें 500 रुपए का मानदेय मिलना चाहिए। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं बीडीओ विजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज छाता क्षेत्र के सभी बीडीसी मेंबरों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे वे शासन तक पहुंचाएंगे। इस दौरान चंचल भगत सिंह, जमशेद, प्रेमचंद, शकील, पूरन, मूलचंद, नारायण, देशराज, गोविंद राम, राजकुमारी, सिब्बो, पिंकी, अरविंद, लक्ष्मण आदि बीडीसी मेंबर उपस्थित रहे। सर, आज बीडीसी ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ प्रमुख मांग रहे? बीडीसी बंधुओं ने ज्ञापन सौंपा है, उसमें कई सारी मांग की गई हैं, जिसमें से ज़्यादातर मांगें जो है उच्च स्तर पर जिन पर निर्णय लिया जाना है। एक मांग जो है कि जब बैठक होती है तो उसमें 500 रुपये प्रति मीटिंग मानदेय मिलना चाहिए, तो वो पहले से व्यवस्था है और वो दिया जाता है और आगे जो मीटिंग होगी उसमें दिया जाएगा। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांगे? उसमें जो है ब्लॉक आने जाने के लिए मीटिंग पे जो मानदेय है वो तो है ही है, न्याय पंचायत में कार्यालय चाहा है उन्होंने, शस्त्र लाइसेंस की मांग की है, ब्लॉक आने जाने में दुर्घटना होने पे 10 लाख का बीमा का उन्होंने मांग की है, और पेंशन की व्यवस्था के लिए मांग की है, और 65 वर्ष तक की उम्र तक सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को सेवा करने के पश्चात उसके परिवार को जीविका उपार्जन की व्यवस्था सरकारें करती हैं, इस दृष्टिकोण से उन्होंने पेंशन के लिए मांग की है। तो ये सभी निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाने योग्य हैं। तो जो VDCs का ज्ञापन है, मैं इसे जिले पर जिलाधिकारी महोदय को भिजवाऊँगा। मेरा नाम चौधरी समंदर सिंह है, मैं छाता ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारी कुछ राज्य सरकार से मांगे हैं, जिनमें हम राज्य सरकार से अपने बीडीसी भाइयों के लिए एक तो 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मांग कर रहे हैं विकास कार्य के लिए। एक गांव में जो प्रधान बैठा है जिस ग्राम पंचायत भवन में, उसमें अपने बीडीसी भाइयों के लिए जगह मांग रहे हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हम शस्त्र लाइसेंस की मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। सड़क पर हम आ रहे जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो उसके लिए हम 10 लाख रुपए का बीमा, एक्सीडेंट का बीमा मांग रहे हैं अपने बीडीसी भाइयों के लिए। ऐसी कुछ मांग है हमारे लिए। आज कितने जिलों में ज्ञापन दिया गया? ये हमारे 65 जिलों में, 75 जिलों में, 75 जिलों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है, वार्ड नंबर 83 से बीडीसी हैं, और आज हमने सभी ने मीटिंग की है। हमारे लगभग 75 जिलों में आज ज्ञापन सौंपा है हमने बीडीओ साहब को, और हमारी मांगें यही हैं कि मतलब जो प्रधान के पक्ष में जो आ रहा है उसमें से कुछ काम हमें भी दिया जाए, जैसे कि मनरेगा का काम है, लाइटिंग का काम है, ऐसे कुछ काम है हमें दिए जाएं। और अगर हमारा ये हमारी जो शर्तें हमने लिख के दी हैं बीडीओ साहब को, अगर उसमें से एक भी शर्तें अगर हमारी नहीं मानते हैं तो अभी तो हमने तहसील स्तर पर रखा है, ब्लॉक स्तर पर रखा है, अब हम जा करके जिला पर रखेंगे, जिला के बाद में नखलऊ भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, जहाँ भी जैसे भी हमारा मतलब हुआ, हमें अपनी मांगों को लेकर के जैसे भी जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी हम सबको सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी मांगें मनवा के रहेंगे।